नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आ रही है NRHM मेघालय की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है 107 स्टाफ नर्स के लिए। अभी से बस कुछ ही घंटों पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे कि उस नोटिफिकेशन में जितना भी मेन पॉइंट है उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस करें। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM मेघालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। वैकेंसी की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मेघालय की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है, इसलिए मेघालय ही जॉब लोकेशन रहने वाली है। कुल मिलाकर के 107 वैकेंसीज निकाली गई हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM या फिर BSc नर्सिंग से अगर आपने क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2019 से। सिलेक्शन प्रोसेस 3 घंटे का एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा दोस्तों, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, 24 अगस्त 2019 को, और उसी के बेसिस पर ये पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट जो है वो की जाएगी। सैलरी दी जा रही है 30,300 प्लस अलाउंसेस। तो जो फिगर आपको नज़र आ रही है इसमें अभी ये सिर्फ बेसिक पे है, इसमें और बाकी चीज़ों को मिला देने के बाद, अलाउंसेस को मिला देने के बाद सैलरी और भी अच्छी हो जाएगी। फुल टाइम ये जॉब है दोस्तों, 8 जुलाई 2019 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 31 जुलाई 2019 तक इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है, ऑफलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जा करके आप इस नोटिफिकेशन को, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और भी अच्छा काम करने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।